जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के सोपोर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए रायबरेली के शैलेंद्र सिंह का बुधवार को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान डलमऊ घाट भारत माता की जय, शैलेंद्र सिंह अमर रहे जैसे नारों से गूंज उठा। बूढ़े पिता नरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने कांपते हाथों से बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। यह दृश्य देखकर लोग गमगीन हो गए। पिता ने कहा कि बेटा देश के काम आया, इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता। मंगलवार को शव जब पैतृक गांव लाया गया तो 6 साल के बेटे तुषार ने अपने पिता को यूं सलामी दी कि वहां उपस्थित लोगों की आंखें डबडबा गईं। डलमऊ तहसील के मीर मीरानपुर निवासी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने 2009 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में पंपोर बाईपास पर आतंकी हमले में शैलेंद्र शहीद हो गए थे। बुधवार को डलमऊ घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। सुबह जब अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी तो हजारों की संख्या में लोग शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। घाट पर जब चिता पर शहीद का शव रखा गया तो आकाश शैलेंद्र सिंह अमर रहे, भारत माता की जय जैसे नारों से गुंजायमान हो गया। इस बीच घाट पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक अपने लाव लश्कर के साथ मौजूद रहे। सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद को आखिरी सलामी दी। इंडियन टाइम न्यूज के लिए रायबरेली से संवाददाता हर्षित द्विवेदी की खास रिपोर्ट।